जैसे बिका था ताजमहल वैसे ही बिक गया वृंदावन का प्रेम मंदिर। यानी कभी भी हो सकती है रजिस्ट्री, किसी की भी हो सकती है रजिस्ट्री। चौंकिएगा नहीं अगर ऐसी कोई खबर आपको सुनने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह सब कारनामा करने में मथुरा जिले की रजिस्ट्री ऑफिस माहिर है। इस ऑफिस में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि किसी भी जगह की रजिस्ट्री कोई भी करवा सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रार कागज़ तो देखते ही नहीं है। रजिस्ट्री ऑफिस के बाबू का कहना है कि रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत हमें किसी भी रजिस्ट्री को रोकने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब भला यह बात कैसे गले से उतर सकती है? क्या इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है? आइए जानते हैं योगेश शर्मा की वृंदावन से एक खास रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं नाइट टीवी। हम हैं इस समय मथुरा जिले के रजिस्ट्री ऑफिस में। जी हाँ, ये वो रजिस्ट्री ऑफिस है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को देता है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह किस तरीके का घोटाला यहाँ होता है। देखिए, ये है एक चंद्रपाल करके और इनकी जगह है 200 गज की वृंदावन में, और इस चंद्रपाल के बदले में कोई दूसरा व्यक्ति फोटो लगा के यहाँ उनके नाम से रजिस्ट्री किसी गोवर्धन को करके चला जाता है। इस संदर्भ में जब हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की तो वो ये कहते हैं कि साहब हमको पेपर देखने का राइट नहीं है। सीधी सी बात है, उनको आधा परसेंट 1% जो भी कमीशन मिलता है वो कमीशन इनको ये बात करने के लिए बाध्य करता है कि वो इन पेपर को ना देखें। पेपर ना देखते हुए चंद्रपाल की रजिस्ट्री कोई दूसरा चंद्रपाल बनके कर जाता है। जो ओरिजिनल चंद्रपाल है उसको पता चलता है जब वो अपने प्लॉट पे काम करा रहा होता है, तो जो नकली चंद्रपाल है वो वहां पहुंचता है जिसने बेचा है गोवर्धन को, और गोवर्धन बोलता है कि तुम इस प्लॉट पे काम क्यों करवा रहे हो, तो तुमने तो ये प्लॉट बेच दिया है। फिर वो जब रजिस्ट्री निकाली जाती है तो रजिस्ट्री ऑफिस के जो अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी से बच। क्या मैटर है आपका, क्या बताएं जरा? सर, ये प्लॉट मैंने 2017 में अजय गौतम जी, ब्रजेश अग्रवाल और गोविंद जी से खरीदा था। जी, कितने गज का प्लॉट है सर? ये 200 वर्ग गज का है, 30x60 का। अच्छा, फिर अभी 2024 में, हाँ, मार्च में इसका गलत तरीके से किसी फर्जी चंद्रपाल वर्मा बन के, अच्छा, किसी गोवर्धन नाम के व्यक्ति को बेच दिया है। गोवर्धन निवासी गोवर्धना नाम का है, पुत्र नेत्रपाल, मतलब आपका नाम, आपके नाम से फर्जी रजिस्ट्री कर दी है। फर्जी रजिस्ट्री कर दी है मेरा नाम यूज करके। तो उसमें रजिस्ट्री ऑफिस में क्या आईडी नहीं देखी होगी इन्होंने, अंगूठे नहीं लगाए होंगे? अब सर नहीं देखी है, साइन भी नहीं मिलाया है, हाँ, फोटो भी नहीं मिलाया है, और किस तरीके से रजिस्ट्री कर दी है ये हम कह नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है इसमें रजिस्ट्री ऑफिस की संलिप्तता लगती है कि नहीं लगती है? निश्चित रूप से जब ये देख लेते तो शायद ये रजिस्ट्री भी नहीं हो पाती। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जो लोग हैं फोटो और हस्ताक्षर चेक किए होते, हाँ, तो वही मामला वहीं पे क्लियर हो जाता। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये आपका प्लॉट दूसरे के नाम पे रजिस्ट्री हो गई है? सर, 9 मई 2024 को जी मेरे पास जिनसे मैंने प्लॉट लिया था ये कागज अजय गौतम जी के पास पहुंचे थे कि ये प्लॉट बिका हुआ है जी। उन्होंने मुझे फोन करके कहा, क्या वर्मा जी आपने ये प्लॉट बेच दिया है? हाँ। मैंने कहा नहीं सर, मैंने नहीं बेचा है। हाँ। कि ये प्लॉट किसी ने फर्जी ढंग से बहनामा करा लिया है। हाँ। और जो है वो इसको बेचना चाहते हैं। अच्छा, कौन लोग थे जो बेचना चाह रहे थे, कौन लोग थे जो आए थे? सबसे पहले मेरे पास नरेश यादव आए थे जो, हाँ, कि हरियाणा के थे, बताया था, और यहाँ पे ओमेक्स में उनका प्रॉपर्टी का ऑफिस था। अच्छा, और फिर उसके बाद गिरधारी अग्रवाल जी आए जी, जो कि बांके बिहारी प्रॉपर्टी नाम से अपना ऑफिस चलाते हैं। फिर और उन्होंने कहा ये प्लॉट तो उन्होंने लिया हुआ है। हाँ। मैंने कहा आपने लिया हुआ है तो किससे खरीदा है उसको मेरे सामने लेके आइए, मैंने ये प्लॉट किसी को बेचा नहीं है जी, और इसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री मेरे पास है, कब्जा मेरे पास है। तो उसके बाद वो यहाँ से चले गए। फिर और कौन आया उसके बाद? और कोई उनमें से नहीं आया, कुछ लोग आए थे बाद में। हाँ। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि ये प्लॉट हमने लिया हुआ है और इस प्लॉट पे आहिंदा आना मत आप। तो आपने इसकी कहीं शिकायत की है? मैंने शिकायत इनकी एसएसपी साहब के यहाँ भी करी, उसकी, हाँ, जांच यहाँ पे सीओ सदर साहब के यहाँ आई। हाँ। उसके बाद एसपी सिटी महोदय के यहाँ जाँच चल रही है, तो फिर अभी इसमें मुकदमा लिखा जाना है। इसकी एफआईआर कराई है सर? सर मैंने इसको
25 मई 2024 को एसएसपी महोदय के यहाँ शिकायत दी हुई है और इसमें अभी मुकदमा नहीं लिखा गया है। अभी तक मुकदमा नहीं लगा, कितने महीने हो गए? लगभग करीब 4 महीने से ज्यादा हो गया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। हाँ। और ये जो फर्जी रजिस्ट्री बैनामा हुआ है। हाँ। ये कैंसिल किया जाए। हाँ। ताकि पुनः ये मेरे नाम पर ही रजिस्ट्री। भैया बांदर अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ रिश्वत नहीं लेते हैं, ये सब अपने आप रख लेते हैं, क्या ये सही है? क्या भैया सब ले में बगैर लगे ले, कोई काम ना है, कोई काम सब ले में हर बार दे रहे हैं हम रजिस्ट्री। कितने 2-4-5 लाख तो हम दे चुके हैं अब तक, 10वीं रजिस्ट्री नहीं रजिस्ट्री, बिना पैसे दिए रजिस्ट्री ना आवे, कुछ ना कुछ परंतु परंतु निकाल देवे, या मैं ये ना या ये ना या ये लाओ, और 5,000-10,000 इनकी जेब में रख दे, 5,000-10,000 इनकी जेब में रख दे, सब काम है जाम। अच्छा हाँ बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं जरा बताइए। नहीं, मेरा कहना यह है यहाँ इस कार्यालय में जो भी काम होता है ईमानदारी के साथ होता है। आप इस कार्यालय में? मैं इस कार्यालय में इसी कंपाउंड में बैठता हूँ। अच्छा, आप कंपाउंड में लिखिया का काम करते हैं? लिखिया का मतलब लिखियाओ की तरफ से बचाव? नहीं नहीं बचाव, नहीं नहीं बचाव नहीं कर रहे, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये आधा परसेंट जो ये काय की दे रहे हैं? नहीं, कौन कह रहा है 1% जो रजिस्टर चीख के कह रहा है बाबूजी, क्या बात कर रहे हैं? 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है, वो कानूनन होता है, और अंदर के जो अंदर की जो फीस लेते हैं उनके तय, अंदर की कोई कह रहा हो देखो ऐसा है। अब यहाँ जो मैंने दिया भाजी, मैंने दिया आधा परसेंट, देखो क्या बात कर रहे हैं, आपने अगर कोई चोरी की होगी नहीं तो नंबर एक में दे रहे हैं। नहीं, नंबर एक बताओ साहब, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नंबर एक में आधा परसेंट दे रहे हैं। ये देखिए ये लिखिया है और ये लिखियाओं की तरफ से उनका बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आम पब्लिक का ये कहना है कि आधा परसेंट से 1% और भी लोग हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। नहीं, आप चिंता मत करो, रजिस्ट्री होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है? 10,000 रुपये अभी दे रहे हैं, अभी गंगा जी उठवा ले रहे हो, ना ले रहे हाथ से। देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि आप 10,000 रुपये अभी दिए जा रहे हो, गंगा जी उठा के ये तैयार है, ये सारा शहर जानता है और ये सब काम हो रहे हैं। सामने एसएसपी महोदय का ऑफिस है, पास में डीएम साहब का ऑफिस है, एसएसपी डीएम साहब के ऑफिस के पास में या जितने भी लोग काम करते हैं वो बिना पैसा लिए काम नहीं करते, अपनी फीस लें ये अच्छी बात है, लेकिन अंदर के नाम से जो पैसा लेते हैं उसकी परिणति ये फर्जी रजिस्ट्री के रूप में आपको देखने को मिलेगी और आम जनता परेशान